कि कल से प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल वो गांव छोड़ के जो कंटेनमेंट एरिया में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी गांव में दुकानें खोल दी जाएंगी, सब दुकानें खोल सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में बाजार नहीं खुलेंगे अभी, लेकिन मोहल्लों की दुकानें, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी, इसके निर्देश हम जारी कर रहे हैं। अपने मोहल्ले में ही उन दुकानों पर जाकर आप अपना सामान खरीद सकते हैं। इसलिए आवश्यक वस्तुएं जो रोजमर्रा के जीवन के लिए जरूरी है, उनकी दुकानें खोलने का हमने फैसला किया है। मोहल्लों में बाजार बड़े नहीं खुलेंगे अभी, लेकिन मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर जैसी दुकानें नहीं खुलेंगी। हमको सावधानी रखना है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार और खरगोन में हम दुकानें खोलने का फैसला नहीं कर रहे हैं। मोहल्लों में भी, कंटेनमेंट एरिया में तो कहीं भी सवाल ही नहीं है। कंटेनमेंट एरिया की तो दुकानें, हॉटस्पॉट की दुकानें बंद ही रहेंगी, लेकिन कंटेनमेंट एरिया के बाहर दुकान खोलने का निर्णय स्थानीय प्रशासन जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक करके करेगा। परिस्थितियों के अनुसार उनको फैसला करना है। मैं फिर दोहराता हूं, हॉटस्पॉट में दुकानें नहीं खुलेंगी, कंटेनमेंट एरिया में नहीं खुलेंगी। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, जबलपुर, खरगोन, उन नगरों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बहुत सोच समझकर फैसला करेगा। ये व्यवस्थाएं हमने बनाई है, उसके निर्देश हमने जारी किए।